नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई जो लोग खास तौर से गल्फ की बात करो, हालांकि और कंट्रियों में बहुत कम लोग जाते हैं, गल्फ की बात करें क्योंकि गल्फ कंट्रीज में मेरे हिसाब से 1 करोड़ की पॉपुलेशन इंडिया की विदेशों में रहते हैं, दुबई, कतर, मस्कत, बहरीन, कुवैत, कुरैत, इराक वगैरह में, ठीक है। और हमारे जो शेखावटी बेल्ट है, सीकर, चूरू, झुंझुनू और नागौर भी इसमें आ जाता है। हालांकि नागौर शेखावटी में नहीं आता, लेकिन नागौर के जो इधर की साइड के लोग हैं, हमारे साइड के 100 किलोमीटर इधर के, वो लोग लगभग लोग दुबई, कतर, मस्कत, बहरीन, कुवैत, सऊदी वगैरह रहते हैं, जी हाँ। लेकिन बार बार मैंने बहुत सारी वीडियो पहले भी बनाए, ये कोई वीडियो वायरल हो रहा है आपने देखा होगा, एक बता दूं, इकबाल नाम का है, जी हाँ इकबाल नाम का है, बड़गुजर, इकबाल बड़गुजर, जो लाडनू नागौर तहसील में, लाडनू नागौर जिले में लाडनू तहसील पड़ती है, सीकर से भी कोई ज्यादा दूर नहीं है। ये बंदा 18 महीने पहले सऊदी में गया था, यानी लॉकडाउन लगने के पहले की हम बात कर लेते हैं, ठीक है। 6-7 महीने ये बंदे ने काम किया कंपनी में, फिर कंपनी ने इसको निकाल दिया। हो सकता है कंपनी में कुछ प्रॉब्लम हुई, कंपनी बंद हो गई या काम नहीं वगैरह वगैरह, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन निकाल दिया, लेकिन इस बंदे को घर पे नहीं भेजा। हालांकि रूल क्या बोलता है, लेबर लॉ चाहे कोई भी कंट्री का हो, अगर कंपनी आपको निकालती है तो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि उसको वापस टिकट दे, उसका बकाया पैसा दे और उसको रिटर्न उनके घर भेज जाए। लेकिन ये कहां प्रॉब्लम आती है कि कुछ अनपढ़ लोगों, अनपढ़ होते हैं लोग, उनको नहीं पता होता है कि कंपनी ने निकाल दिया, हमें क्या एक्शन लेना चाहिए, लीगल एक्शन वगैरह कुछ नहीं पता होता है। तो वो ये बेचारा कंपनी ने निकाल दिया, रूम पे बैठा रहा काफी टाइम से, उसके बाद में आपको पता भाई लॉकडाउन लग गया, 10 महीने हो चुके हैं, ज्यादा 10 महीने से ज्यादा लॉकडाउन, ये बंदा 10 महीने से सऊदी में फंसा हुआ है, जी हाँ। नहीं तो इस बंदे को कोई काम मिल पा रहा है, नहीं इसको कोई इंडिया नहीं आ रहा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि ये इंडिया नहीं आ पा रहा है, इसका रीजन क्या बताया गया है। फिर इसी 10 महीने से परेशान हो गया, कंपनी ने नाता तोड़ दिया, कोई रहना नहीं, कोई खाना नहीं, तो बंदा क्या करे, गरीब आदमी विदेश की धरती में जाके फंस जाता है, जबकि ये सोच के जाता है कि हम अपने परिवार को अच्छे से पालेंगे, उसकी परवरिश करेंगे, लेकिन वो उनको पालने की बजाय अपने खाने के भी लाले पड़ जाते हैं विदेश में, जी हाँ। उस स्थिति में बंदा क्या करे, तो इसने फिर एक वीडियो बना के डाला सोशल मीडिया पे, इकबाल लाडनू नागौर, आपने सबने हो सकता है पहुंचा होगा काफी लोगों के पास में, ये अखबार में भी न्यूज आई है। सोशल मीडिया ना बड़ा सख्त है भाई, ये सोशल मीडिया एक ऐसी चीज है कि बड़ा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे हर आदमी की हेल्प हो जाती, ठीक है। मेरे पास भी वीडियो आया था, ये राजस्थान पत्रिका की न्यूज भी है, मैं आप लोगों से शेयर कर दूंगा इसकी। इसने काफी सारे अपने विधायक हैं, उनके मुकेश वाकर हैं, नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल हैं, और भी हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, अपने केंद्र सरकार मोदी वगैरह जो भी हैं उनकी, जो उसने वीडियो में नाम लिए कि भी मेरी हेल्प कीजिए, मुझे इंडिया वापस बुलाया जाए। अब नहीं आने के पीछे इसका रीजन क्या है, आप सोचोगे यार क्यों नहीं आ रहा है, क्या रीजन है, जब इतने माहौल हो रहा है तो सब लोगों को पता है कोई भी इसकी हेल्प कर सकता है। इसकी प्रॉब्लम आ रही है कि इसकी जो आईडी है वहां का, ठीक है, हकामा जिसको बोल सकते हैं, उसमें मिसमैच हो रहा है, यानी नाम की प्रॉब्लम आ रही है। अब क्या नाम की प्रॉब्लम आ रही है, कैसे आ रही है, ये हमें नहीं पता, लेकिन मिसमैच की वजह से ये बंदा नहीं तो इंडिया आ पा रहा है, नहीं वहां पे कोई कंपनी इसको जॉब दे रही है, नहीं इसका कोई वीजा बन पा रहा है, इस स्थिति में ये बंदा फंसा हुआ, यानी ये बंदा उधर फंसा हुआ है, 4 बच्चे इनके घर में हैं, फादर इनके इंतकाल हो चुका है, यानी ये स्थिति में गुजरा, इधर घर वाले परेशान, फादर की मौत हो चुकी है, उधर वो बंदा फंसा हुआ है। हालांकि सोशल मीडिया एक बड़ा प्लेटफॉर्म, ये बात निकल के आती है तो दूर तक जाती है, आप सबको बताइए, वहां के विधायक है, उन्होंने भी मुख्यमंत्री को, केंद्रीय मंत्री, उनको पत्र लिखा है, उनकी हेल्प की जाए, लेकिन भाई नेता लोग देखिए फॉर्मेलिटीज करते हैं, क्योंकि वो करनी उनकी जिम्मेदारी बनती है, वो नहीं करेंगे तो लोग उनके डंडा लगा देंगे कि भाई आप क्या कर रहे हैं, फॉर्मेलिटीज करनी है, वरना होता है पीछे पड़ जाए जब तक कि बंदा घर नहीं पहुंचे। पत्र लिखने से क्या होता है भाई, मुख्यमंत्री के पास, केंद्रीय वहां की अगर बात करें, विदेश मंत्रालय के पास रोज इंडिया के हजारों पत्र जाते हैं, अगर पढ़ ले पत्र को वही बड़ी बात है मेरे हिसाब से, लेकिन एक्टिव होके अगर कोई नेता अगर चाहे तो 100% ये बंदा तीसरे दिन घर पहुंच सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी कमी है। ये शायद नंबर है इसमें, आप भी अगर कांटेक्ट करना चाहो तो भाई सऊदी में है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी मेरे पास ये वीडियो आया था, मैं आप लोगों के साथ शेयर जरूर इसलिए कर रहा हूँ कि भाई सऊदी में आदमी विदेश जाता है तो ध्यान से, सतर्क से, इतनी मतलब आदमी ये पॉलिसियां भी लग रहा है कि अनपढ़ है, तो अनपढ़ लोगों को नहीं पता होता है कि किससे हेल्प ली जाए। अगर ये थोड़ा सा पढ़ा लिखा होता लेबर लोग उसका तो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा दिमाग लगाता, हम नहीं कहते घर पहुंच जाता, एक्स्ट्रा दिमाग लगाता, वहां पर भी सऊदी में इंडियन भाई बहुत सारे हैं और राजस्थानी भी बहुत है यार, लेकिन अगर ये निकलने लायक होता तो कोई भी उनकी व्यवस्था करके निकाल देता, लेकिन इसकी स्थिति ये है। लेकिन करना किसको है, इंडियन सरकार करेगी, इंडियन एम्बेसी करेगी, वही कर पाएंगे इसको। तो आपको भी अगर इसके बारे में जानकारी नहीं थी तो आपको मिल गई होगी,
ऐसी सिचुएशन आए तो आपको भी सख्त कदम तुरंत प्रभाव से उठा लेना चाहिए ताकि आप समय रहते घर पहुंच जाओ, वरना तो भाई दिक्कत और परेशानी, आप परेशान और आपके घर वाले परेशान। बस ये जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद जय।